आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो वाईफाई मॉर्फियो की टेलीमेंट्री अनसक्सेसफुली एरर आ रही है, इसके लिए ये वीडियो अनकट है, आपके सामने है। मैंने डिवाइस लगा दिया है, रिफ्रेशिंग डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है और प्रोसेस कर रहा है। अभी डाउन साइड में आपको एरर भी दिखाई देगा, टेलीमेंट्री सर्विस एरर का, तो आपके सामने उस स्क्रीन पर आएगा। रिफ्रेशिंग डिवाइस का एरर आता रहेगा जब तक, ये देखिए ये आ गया, टेलीमेंट्री फेल्ड। अभी हम डिवाइस को हटा के लगा के फिर से आपको ये दिखाते हैं, रिफ्रेशिंग डिवाइस दोबारा शुरू हो गया है। अभी हम एक बार डिवाइस निकाल देते हैं और फिर आपको इसका सॉफ्टवेयर खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट RDSL रियल का। ये देखिए फिंगरप्रिंट डिवाइस रिमूव, और इस पर सॉफ्टवेयर में भी ये करके दिखा देते हैं। ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है ताकि आप ये ना कहें कि बिना सॉफ्टवेयर के ट्राई किया, ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, अप टू डेटेड है, पर रिफ्रेशिंग डिवाइस में जाएंगे तो सेम वो एरर वहाँ से आने वाला है। तो इस एरर का समाधान इसी वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें, इसको देखते रहें। और ये देखिए टेलीमेंट्री सर्विस फेल्ड, ये अगेन फेल्ड का एरर आ गया, और इसका समाधान क्या है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए वरना वो चीज़ रह जाएगी। तो इसका बड़ा ही प्रॉब्लम, और हमारे चैनल पे बड़े कमेंट्स आ रहे थे, तो ये देखिए फिर टेलीमेंट्री सर्विस फेल्ड। तो ये मॉर्फियो डिवाइस चल नहीं रही है, करना क्या है, वेरी सिंपल, जो मॉर्फियो SSL RD सर्विस का सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसको लॉन्ग क्लिक कीजिए, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाकर अगर आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट RD सर्विस तो ये सॉफ्टवेयर दोबारा दिखेगा, इसको इंस्टॉल मत कीजिए। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें मॉर्फियो या गूगल प्ले ये सर्विस google.com खोलना है। तो हम google.com खोल लेते हैं मॉर्फियो का। पहले हमने google.com खोला गूगल क्रोम में, प्ले स्टोर में नहीं, यहाँ लिखा हमने मॉर्फियो RD सर्विस। जैसे आप करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, एडवर्टाइजमेंट वाली साइड मत खोलिएगा, जो एक्चुअल साइड है मॉर्फियो की उसको खोलिए। ये साइड आपके सामने खुल के आएगी, आपका मॉर्फियो डिवाइस का लोगो आएगा, इसके साइड में राइट साइड में एक बटन ऑप्शन है डाउनलोड, डाउनलोड में जाना है, और फ़ोन है तो एंड्रॉयड, PC है तो विंडो वाला, तो इसको चूज़ करना है। एक फाइल डाउनलोड होगा, छोटा सा फाइल है, फाइल मैनेजर में खुल जाएगा, एक्सट्रैक्ट करना है, जिप फाइल होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सर्विस आ जाएगी, इस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी मॉर्फियो डिवाइस वर्किंग और फंक्शनेबल होगी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, हम इसको चलाकर दिखाएंगे, स्पाइस की एजेंसी में जाके बैलेंस इंक्वायरी करके पूरा इस वीडियो में आपको सेटिस्फेक्शन देंगे। ये देखिए यहाँ अलाउ करना है आपको, मॉर्फियो सर्विस दोबारा खुलेगी डलने के बाद, यहाँ अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये मैसेज आएगा, इस पर टिक करके अलाउ में ओके करना है। देन रजिस्ट्रेशन डिवाइस दोबारा होगा, और रजिस्ट्रेशन डिवाइस में 1-2 सेकंड लगेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर रिमूव होकर दोबारा इंस्टॉल हुआ है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन डिवाइस पे आपको वेट करना है। डिवाइस लगी होनी चाहिए आपके फ़ोन के साथ, ये देखिए यू डिवाइस इज रेडी टू यूज़, यही तो करना था। इसके लिए बड़े लोग परेशान हो रहे थे, क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, पुराने सॉफ्टवेयर को निकालिए, गूगल क्रोम में जाए, प्ले स्टोर में ना जाए। देखिए स्पाइस मनी में मैंने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सेटिस्फाई ना हो कि मॉर्फियो डिवाइस चल गया है। अभी देखिए यहाँ पे ये मेरा स्पाइस मनी का ID खुल गया है, इसमें जाऊँगा मैं ABS में, मॉर्फियो MS-0 डिवाइस यूज़ किया, नीचे भी देख सकते हैं मॉर्फियो डिवाइस यूज़ किया हुआ है, अपना आधार नंबर डाला मैंने, फ़ोन नंबर डाला, और उसके बाद ये मैंने बैलेंस इंक्वायरी पे कर दिया, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, ये मेरे मॉर्फियो डिवाइस में लाइट आ गया, और इसके बाद मैंने अपना फिंगर लगाया इस पर और ये बैलेंस इंक्वायरी हो गया, और ये बैलेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की समस्या सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।